स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, जिसको जहां पता लग जाए, जब टाइम मिल जाए, फुर्सत मिले, तभी सत्संग का लाभ किसी भी केंद्र पे जाके उठा सकते हैं। चेहरा आश्रम है अपने साइड में, दुल्लाबाड़ी का पहला आश्रम, जोड़थांग का दूसरा, गंगटोक सिक्किम का तीसरा, सिलीगुड़ी का है ही केंद्र। तो जिसका जहां नज़दीक पड़ता है, जिसको जहां आसानी लगती है, वहीं सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। सत्संग का लाभ सिर्फ सुनने मात्र से काम नहीं चल जाता, सत्संग के नियमों को जानना भी बहुत जरूरी है। सत्संग की जब शुरुआत हो जाती है, वाणी वचन या उपदेश चल रहा होता है और आप किसी कारणवश लेट आते हो, तो पहला नियम सत्संग का होना चाहिए कि दबे पांव से चुपके से सबसे पीछे जाके बैठ सके, ताकि दूसरे सत्संगियों का आपकी तरफ ध्यान ना जाए। अगर आप चलते हुए कोई आवाज करते हो, खांसते हो या बोलते हो, या आप राधा स्वामी बोलते हो, तो सबका ध्यान आपकी तरफ जाएगा और सत्संग करने वाले का ध्यान भी बट जाएगा, और जो बात चल रही होती है, जो प्रकरण होता है, सत्संगियों को जिस प्रकार का उपदेश जो देना शुरू कर दिया होता है, उसमें विघ्न पड़ने से वो बात फिर अगर भटक जाती है, तो उसका सही मतलब नहीं हम ले पाते, या यूं कहो कि उसका जो हमें लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। एक नियम ये होना चाहिए पक्का। दूसरा नियम, सत्संग में बैठ के आदमी को अपनी दृष्टि अपने सतगुरु के चेहरे पे, कान उनके वचनों पे और हृदय के दरवाजे खोल के उनको एकाग्रचित होके सुनना चाहिए, तभी आप सत्संग का पूरा लाभ उठा पाओगे। कई लोगों की आदत होती है, सत्संग चल रहा होता है, इधर उधर देखते हैं, दिल नहीं लगता, उनका दोष नहीं होता, ये कर्म की मार है। जिनका कर्म इतना अच्छा नहीं होता, पिछले संस्कार अच्छे नहीं होते, उसका मन सत्संग में नहीं लगता, उचाट हो जाता है उसको कि कब खत्म हो, कब उठूं, कब भागूं। तुलसी साहब ने कि तुलसी पूर्व ले जन्म से या पूर्व ले कर्म से, हरी कथा नहीं सुहा, के उठे के सोवे और के पर चर्चा दे चला। वो आदमी तीन काम तो करेगा ही करेगा, या तो वो क्या करेगा, उठ के ही चल देगा, या उसको नींद आनी शुरू हो जाएगी, उबासी तोड़नी शुरू कर देगा, या कोई दूसरी आहिस्ता से किसी को कहेगा, ये बात देखना वो क्या करता है, मतलब सत्संग की तरफ उसका ध्यान नहीं होगा, ये उसके पिछले जन्म के संस्कार, उसके कर्मों का फल है। इसलिए ख्याल रखना चाहिए कि सत्संग सुनते वक्त हमारा चित्त भंग ना हो, एकाग्रचित होके सत्संग सुनना अगर प्रारंभ कर दोगे, तो नाम भक्ति या ध्यान की अवस्था में जाते वक्त आपको इतना लाभ मिलेगा उस चीज का, कि थोड़े से प्रयास से ही आपकी समाधि लग जाएगी, क्योंकि आपने एकाग्र करना सीख लिया है
और ये पहला दर्जा है कि मन को एकाग्र करना, एक जगह पर रोकना। मन का भी खराब है, ये घूमता रहता है, इसको आदत नहीं है बनने की, एक जगह रुकने की। तीसरी चीज, इसकी दिलचस्पी नहीं है उन चीजों में। संतों ने कहा हरि रस ऐसा रे जिसके पिए से अमर हो जाए। नाम का रस तो ऐसा है कि जिसको पीने से आदमी अमर हो जाता है, लेकिन अमर उस अमीर रस की जिसको चाह होती है, वो उस अमीर रस को पहचानता है। देखने से तो देखा देखी कभी किसी को रंग नहीं चढ़ता भक्ति का। जिसके हृदय में जब तड़प लगती है, विरह और वैराग्य पैदा होता है, तभी वो नाम जप सकता है, भक्ति कर सकता है, अपने कर्मों को काट सकता है और जीवन को पवित्र बना सकता है। जब तक सत्संग में ये तरीके नहीं अपनाता है, तब तक वो वंचित रह जाता है सत्संग के लाभ से। तीसरा कि आदमी हर चीज से निवृत्त हो, कि सत्संग से पहले कहीं जाना आना हो, कोई चीज, कोई काम छोटा मोटा, अपने चीज हर चीज से फारिग होके निश्चित और शांति से बैठे, जिससे उसको घंटा दो घंटा कितना भी टाइम बैठना पड़े तो उसको कोई चीज भूख प्यास या कोई तड़प उसको ना लगे, किसी चीज कोई परेशानी उसको ना हो कि उसको जिसके कारण उठना पड़े। अगर भरी संगत में एक आदमी उठ के चलता है तो सब लोग उसकी तरफ देखेंगे, ये क्यों गया, मैं देखूंगा तो आप भी देखोगे, मैं उस तरफ देखूंगा तुम सब देखोगे, क्या आ गया महाराज जी, क्यों देखा, ध्यान भट गया ना, फिर मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा मेरा भी भट जाएगा। वो उसने तो एक ने किया था, लेकिन जितने लोग थे सबका ध्यान भंग कर दिया उसने। चौथा नियम, कभी भी अफसर के तो अवाड़ी नहीं बैठना चाहिए और संत के पिछाड़ी नहीं बैठना चाहिए। संत की पीठ के पीछे बैठता है उस आदमी में यूं समझ लो कमी है, छिपके बैठता है। सन्मुख सेल सेने चाहिए, जो गुरु के वचन सीधे लगते हैं वो हमारे हृदय को में लगने चाहिए। संतों ने कहा दीदे से दीदा मिला के वचन का ग्रास करना है, उनको सुनना चाहिए। श्रवण कानों को इतना खुला रखो कि दूसरी चीज की तरफ ध्यान ही ना जाए, चाहे कुछ भी होता रहे, जहां ध्यान जोड़ दिया उसी में ध्यान तुम्हारा, उसी वक्त जिस वक्त सत्संग का उपदेश होता है उसमें लगना चाहिए। घोड़े के आगे नहीं, घोड़े के आगे हो गए मैं घोड़े के पिछाड़ी नहीं बैठना चाहिए, घोड़ा लात मार देगा। साहब के आगे नहीं बैठना, साहब आगे लात मार देगा। संत के सामने बैठना चाहिए, पूरा लाभ मिलेगा। संत के पीछे बैठते हो तो समझो कि तुमने खो दिया जो शुभ अवसर। कल जैसे मैंने बताया था, दोनों हाथ जोड़ने का मतलब होता है पूर्ण समर्पण, तन का, मन का और धन का। सामने जब बैठते हो तुम, उस वक्त दो क्रियाएं चलती हैं, एक तो गुरु का वचन और दूसरा उनके चेहरे से निकलने वाला तेज, वो शक्ति दिखाई नहीं देती, नहीं देती ना। आप सांस ले रहे हो आप सभी, लेकिन दिखाई नहीं देते सांस लेते हुए। अगर कड़ाके की सर्दी पड़ती तुम सांस लेते तो क्या होता, मुंह से निकलता हुआ धुआं सबको दिखाई देता ना, देता है ना, अब वो दिखाई नहीं दे रहा, निकलता है। इसी प्रकार से संत के चेहरे से वो शक्ति निकलती है, ताकत निकलती है। क्यों दर्शन की बात बार बार करते हो कि दर्शन कीजिए संत के, दिन में कई कई बार आसो जो के मी जो बहुत करें उपकार। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग धरनी धरे त्यो त्यो यज्ञ समान। अरे संतों के दर्शन सामने जाके करते हैं, हमें पीठ पीछे कोई दर्शन करता है क्या, दर्शन किसके मुखड़े के,
मुंह से पहचान होती है, तो जो चीज अलग अलग अंगों से अलग अलग चीज निकलती है। आशीर्वाद हाथ से ही क्यों लेते हो? ये लड़कियां शादी हो के जब अपने पति के घर जाती हैं तो सब माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग उसके सिर पे हाथ रख के पुचकारते हैं कि नहीं, क्यों? वो रोती हुई जाती है, उसको शांति मिलती है उससे। तो इन हाथों से भी वो धार निकलती है, हमारी दृष्टि से भी निकलती है। पहचान लेते हो आप, एक दृष्टि पड़ती है देखते ही आपको प्यार आएगा कि प्यार भरी दृष्टि से देखा उसने, एक दृष्टि नफरत है उसमें, है कि नहीं? तो वो हर चीज से ये चीजें निकलती हैं, इसलिए हमें सतर्क होके हर प्रकार से ये सत्संग में बैठने का नियम है। और फिर जो बात सुनी जाए, स्वामी जी महाराज ने इस बात को बड़े इतने सुंदर ढंग से कही है सारी बात, मैंने आपको सादी भाषा में समझाई सीधे तौर पे। उन्होंने कही है कि दर्श करे, दर्शन करे, वचन पुनि सुने, और क्या करे, सत्संग में जाके दर्शन करे। दर्शन से शांति मिलती है, मन प्रसन्न होता है, एक मन की एकाग्रता होती है, मन विषय विकारों से हटता है, पाप कर्म धुलते हैं। इसलिए कही कि दर्शन करने से उनके भी आ जाते हैं। अगर आप किसी पवित्र चीज के नाम लेने से ही आप में गुण आएंगे, देखने से वो गुण आएंगे। मिठाई को देख के नहीं कहते हाँ, देख के मुंह में पानी आ गया, कहते कि नहीं, उसको देखने से पानी आ गया। तो इसे संतों के दर्शन देखने से ही मन में शांति आ जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कही कि दर्श करे, वचन को नहीं सुने, और वचन को गौर से सुने, एकाग्र चित्त होके सुने, मन लगा के सुने, सुने सुने नहीं, उसको वचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे। यह नहीं कि जो मैंने बात बता दी सुन लिया, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, कल को याद ही नहीं क्या कहा था, क्या सुना था, क्या सत्संग में बताया गया था, क्या लाभ मिला। एक जगह कहते हैं चल चल आए सतगुरु आगे, दर्श न पकड़े वचन न लागे, क्या फल पाया सत्संगत आए, जन्म गंवाया वक्त गंवाए। कि भाई चल चल के दागे, कितनी दूर से आए, किराया भाड़ा दे के आए, आपकी मेहनत लगी, कोई पैदल चल के आया, कितनी तैयारी करी कि सत्संग में जाना है, मैं ये काम कर लूँ वो कर लूँ। कहते कि चल चल आए, चल के आए सत्संग के लिए, कोई स्कूल का काम छोड़ के आया, कोई अब खेती का काम, कोई दुकान का काम, कोई व्यवसाय का काम छोड़ के आए, इससे लाभ लेना था। इसीलिए ना सत्संग में बहुत लाभ मिलते हैं। इसलिए कही कि चल चल आए सतगुरु आगे, सतगुरु के आगे तो आगे, लेकिन दर्श ना पकड़ा बचन न लागे, ना तो दर्शन किया हमने, देखने मात्र से दर्शन नहीं हो जाता। तो ना तो हमने दर्श किया ना बचन लागे, बचन लगने का मतलब उन बचनों को हमने गौर से सुना ही नहीं, अपनाए नहीं। तो कहते हैं कि उस सत्संग में जाने से आपको क्या फायदा हुआ, आपने तो जन्म खोई खो दिया, समय गंवाया, बेकार गंवाया, मेहनत आपकी बेकार चली गई। लेकिन दूसरी जगह जो कही ना कि दर्श करे वचन पुनि सुनो, सुन सुन के गुण है, उन वचनों को सुन के गुण है। संतों की वचन में ताकत होती है, संत जो वचन करते हैं उसको आजमा के देखा करो, जीवन में लागू करके देखो। कही है संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड रवि का तेज घटे नहीं, चाहे जुड़ आए घमंड। संत वचन पलटा नहीं, हर काल में सत्य होता है, नहीं पलटता वो मिथ्या वचन नहीं कहते। मिथ्या वचन वो लोग कहते हैं जिनका स्वार्थ होता है, जिनका लालच होता है, जिनका कोई पक्ष होता है। संत निर्लेप निष्पक्ष होते हैं,
वो दयावान होते हैं, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, जिसमें सबका हित हो सबका सुख हो। इसलिए उनके वचन को ये ऐसे ना सोचो कि उन्होंने कह दिया, वो सत्य होगा वचन, वक्त आएगा तब पता लगेगा। फिर वक्त जब गुजर जाए फिर आदमी कहता रहो कि मेरे को कहा तो था महाराज जी ने, गुरु जी ने ये बताया था, लेकिन मैंने गौर नहीं किया, मेरा कर्म माड़ा था। कर्म माड़ा नहीं था, तुम्हारी लापरवाही थी, तुम्हारी मस्ती थी। वो ऐसी बेपरवाही नहीं करनी चाहिए, ऐसी बेअदबी भी नहीं करनी चाहिए। संत और महापुरुषों के पास जाके आदमी को हर प्रकार से सम्मानपूर्वक तरीके से बंदगी करे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करे, उनके उनसे प्यार दया की भीख मांगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं कि उनको कोई चीज़ छू जाए, लेकिन इंसान अपना खुद बिगाड़ ले तो उसका क्या करेगा। कबीर साहब कि मारी थी लागी नहीं बंक नाड़ में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेल्या माँ ही चूक। अरे गुरु ने तो सब कुछ किया था, लेकिन चेले में ही चूक हो तो गुरु बेचारा क्या करेगा। गुरु ने तो ऐसी फूक मारी थी कि तेरा सब कुछ बेड़ा पार हो जाता, सब पापों से मुक्ति मिल जाती, इस जन्म मरण की डोर कट जाती, इस काल और माया की जेड़ से छुटकारा हो जाता, ये रोज रोज का मरना जीना और दुख कष्ट भोगना इनका अंत हो जाता। लेकिन हम उस बात को नहीं समझ पाए। इंसान का चोला इसीलिए मिला है, और इस जन्म में अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर ये मौका नहीं मिलने का, दोबारा ऐसा अवसर नहीं आता। तो उन वचनों को ऐसे सुन सुन के गुण ले। कैसे? ये शिक्षा आप पशुओं से ले सकते हो। गाय भैंस भेड़ बकरी जाती है जंगल में, पूरा दिन घास चरती है, चरती रहती है, चरती रहती है, चरती रहती है, आराम नहीं करती वो। लेकिन जब उनको आराम करने का टाइम मिलता है या शाम को घर आते हैं तो फिर आराम से बैठ के पेट में से जो खाया हुआ भरा हुआ था उसको निकाल निकाल के जुगाड़ी करती है, उसको जुगाड़ी करके उसको पूरे को हजम कर लेते हैं, और उसमें सार जो शक्ति ताकत उसमें गुण है वो सारा का सारा उसके शरीर को मिलता है, शक्ति देता है, ताकत देता है। इसी प्रकार से हम भी वो सत्संग के वचन जब सुनते हैं सुन के लेके जाए, घर जाने के बाद उन पर गौर करें। सत्संग एक बार में समझ में नहीं आता, आज जो सुनते हो ना इसी सत्संग को दोबारा सुनोगे तो हैरान हो जाओ। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं वैसे तो सुनता नहीं, लेकिन कई बार मुझे मेरा ही सत्संग सुनने को मिल जाता है तो मैं महसूस करता हूँ कि अच्छा मैं ऐसा कब बोल गया, मेरे को खुद नहीं पता होता मैं क्या बोल गया, मुझे खुद नहीं पता होता मैं क्या बोल रहा, फिर मुझे फिर थोड़ा अच्छा लगता है कि मैं तो अच्छा बोल रहा था। इसलिए उस चीज को जो तुम सुनते हो ना उसको पल्ले बांध के लेके जाया करो, पल्ला झाड़ ना बनो। पल्ला झाड़ का मतलब है यहीं छोड़ के चले जाते हो, जो मिला यहीं छोड़ के चल दिए, नहीं, घर जाओ उसको लेके जाओ, उसको दोबारा से सुनो और उन बातों पर दोबारा गौर करो, और धीरे धीरे जिंदगी में देख लेना उनमें से एक बात भी असत्य हो जाए तो बता देना, सब सत्य हो। तो कई सुन सुन के गुण 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 के काट ले सार, जैसे मैंने गाय भैंस का आपको उदाहरण दिया उनकी तरह से उसका सार काट ले, और सार काट है कि उसका सार काट करे आहार, उसका आहार करे मतलब उसको पुनः उसको अपने हृदय में मन में लेके जाए शरीर में, तो उसका क्या होगा कि सार काटने से वो शक्ति मिलेगी, जग का भय और डर सब उससे दूर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि उससे जो सही ज्ञान है वो हमें प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार से उसके हजम करने से उसका निचोड़ करके जो सही ताकत निकाल लेते हैं, जैसे फ्रूट्स में तुम जूस निकाल लो बाकी का तो फेंक देते हो, इसी प्रकार से हम भी जो चीज़ खाते हैं जो ज़रूरी चीज़ हमारे खून के लिए शरीर को जीवित रखने के लिए शक्ति देने के लिए जो ज़रूरत होती है वो सार काट के तो हम ले लेते हैं, बाकी तो द्वार बने हुए हैं तो उन द्वारों से बाहर निकाल देते हो,
तो ये सत्संग के ऐसे नियम है कि सत्संग में आदमी सही तरीके से बैठना सीख जाए, वही गौर करेगा ढंग से बैठेगा। लेकिन कईयों को बैठने से क्या हुआ, किसी को खुजली हो जाएगी, किसी को प्यास लग जाएगी, किसी दिल नहीं टिकेगा, और कोई ना कोई बहाना। आजकल तो एक नया बहाना और देखता हूँ कि हाथ मारेंगे यूं, फोन देखेंगे, उसका कोई फोन नहीं है, उठने का तरीका बहाना, कोई नहीं सोचेगा देखेंगे क्या हो, बहुत जरूरी फोन आ गया इसका, लेकिन उठ के चल जाओ, मुड़ के नहीं आओ। फिर तो मैं कितने चालाक कर ये समझते हैं कि मूर्ख आदमी है। तो सबसे अच्छा तरीका ये निकाल रखे है कि ये बहानेबाजी, ये कोई चीज दूसरे के काम आने वाली है, खुद को धोखा देता है इंसान। अरे जो हमारे काम आने की है, हमारे फायदे की है, लेकिन हमारा कर्म हमें नहीं टिकने देता। दुनिया में आके सबक तो था दूसरा इसका, इसीलिए कही कि दुनिया में हमारा साथी कौन है, सतगुरु ही है, दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं है। आप कहोगे कैसे नहीं, हमारे भाई रहे साथ देने वाले, हमारे माँ बाप रहे, हमारी पत्नी बच्चे रहे, हमारे साथी रहे, ये सब के सब मतलब के हैं। जब तक इनकी जरूरत पूरी करते हो तुम अच्छे हो, जब तक उनका लालच तुम्हारे से पूरा होता है तब तक बड़े अच्छे, और जिस दिन तुम थोड़ा सा इनकार कर दोगे उस दिन तुम्हें पीठ दिखा देंगे वो सब। लेकिन सतगुरु किसी को पीठ नहीं दिखाता, क्योंकि उन लोगों के पीछे उनका स्वार्थ, लालच, उनकी कामनाएं छिपी हुई है। लेकिन गुरु को आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है, और ना ही उनकी कोई कामना है, ना ये संसारी लोग उनकी किसी कामना को पूरी कर सकते हैं। सतगुरु तुम्हारी कामनाओं को पूरी कर सकता है। क्यों कर सकता है, कि जिसने सब कुछ त्याग दिया उसके पास सब कुछ है, और जो सब कुछ अपनाना चाहता है उसके पास कुछ भी नहीं रहता। नाम से बढ़ के कोई दौलत नहीं है, तुम दुनियादारी की चीजों को सोचते हो कि बड़ी, वो चीजें बड़ी नहीं है, मिट्टी है वो। किसी को चैन और सुख नहीं है उन चीजों में मिला हो तो बताओ। बड़े बड़े धनवान हुए, बड़े बड़े बलवान हुए, बड़े बड़े बुद्धिमान ज्ञानी हुए, लेकिन उन आज कहाँ हैं वो? क्या उन ज्ञानियों ने कर लिया, क्या उन धनवानों ने कर लिया, क्या उन बलवानों ने कर लिया? बलवान गए, धनवान गए, हाथों से पर्वत उठाते थे, कहाँ है आज वो? तलवार की नोक पे जो उन लोगों को नचाते थे, हाथियों को आकाश में फेंक देते थे, कहाँ है आज वो? नहीं है वो। लेकिन जो गरीब संत जिनके तन पर कपड़ा नहीं था, मालिक की जिन्होंने भक्ति करी, उनके नाम आज भी अमर है। आज भी उनके नाम लेके हम जो है अपने पाप कर्मों को धो लेना चाहते हैं, उनकी मूर्तियां बना के, उनके तस्वीरें बना के, उनको अपने घरों में सजा के, और चाहते हैं कि हमारे सारे काम सिद्ध हो जाएं और वो हमारे सारे कार्य करें। क्यों? कि वो करने लायक थे, वो जो देह रूप में थे तब भी करते थे, विदेह रूप अब गायब है तो भी करते हैं, क्योंकि उनके सिद्धांत, नियम और उनके दिए उपदेश कभी मिथ्या नहीं होते, वो सर्वदा अंग संग हमारे साथ रहते। अब दुनियादारी की तो ऐसी चीजें हैं इनको तो, ये तो आदमी को कुएं में डाल देते, कुएं में डाल देना का मतलब समझते हो ना, कि खत्म कहानी, कुएं में गिर जाए कोई आदमी तो क्या बचेगा उसमें। किस तरह से, एक कोई छोटी सी उम्र में था बच्चा, पहले हमारे ये पुराने हमारे देश में ये होता था, पहला बच्चा होता था तो महात्माओं को चढ़ा देते थे कि ये महात्मा को चढ़ा दिया हमने, ये गुरु के पास ही रहेगा, उसका शिष्य बनेगा। तो इसी गुरुकुल होते थे, जंगलों में होते थे, गुरु सब प्रकार की शिक्षा उनको वहीं देते थे। आज की तरह आजकल लाखों गुरु हैं एक आदमी के, कोई संगीत सिखाता है, कोई पढ़ना लिखाता सिखाता है, कोई डांस सिखाता है, कोई कपड़े सीने सिखाता है, कोई बाल काटने सिखाता है, कोई खाना बनाना सिखाता है, ये गुरु हैं।
लेकिन सतगुरु एक होता है, ये बताऊं, जो सत्य का ज्ञान देता है, भक्ति का ज्ञान देता है, मालिक से मिलने का तरीका बताता है, सतगुरु है। गुरु तो अनेकों हो जाएंगे आदमी के, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, बहुत गुरु हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ें सीखी हैं किसी न किसी से। लेकिन उस जमाने में जो गुरु होता था ना, वो तो गुरु शस्त्र विद्या भी वही, अक्षर विद्या भी वही, ज्योतिष भी वही, वैद्य और डॉक्टर हकीम की भी वो ही काम करता था। सब प्रकार की शिक्षा, जितने भी काम, सब्जी बनाना, रोटी बनाना, कपड़े सीना, जो भी काम थे, सब गुरु ही सिखाता था उसको। तो छोटी उम्र में जो समाज से दूर हो जाए, उसको क्या पता समाज में क्या होता है। जंगलों में, बीच जंगल के उनके आश्रम होते थे, गुरु की आज्ञा के बिना वो कदम भी बाहर नहीं रखते थे, और जब गुरु से शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो गुरु को दक्षिणा देके फिर वहाँ से वो बाहर निकलते थे, और फिर दुनियादारी का धीरे धीरे उनको ज्ञान होता था दुनिया क्या है। तो एक छोटी उम्र में गुरु की भेंट चढ़ा दिया, जवान हो गया। एक दिन जा रहा था रास्ते में, तो सामने से बारात आ गई। बारात आ गई तो साथ में आदमी थे, बोला भाई ये क्या है? बोला महात्मा जी आपको नहीं बता, ये बारात है, क्योंकि बड़े ढोल ढमाके बज रहे, नाच गाने हो रहे, नए कपड़े पहन रखे, सब सजे धजे हुए, खुशी खुशी। महात्मा जी बोले ये क्या है भाई, ये देखा नहीं बेचारे ने कभी। बोले महात्मा जी ये शादी करने जा रहे। बोले शादी? बोले हाँ शादी। इन्हें बोले क्या होता है? बोले शादी ये होती है जी, वो लड़का है, इसकी लड़की के साथ शादी होगी। अच्छा फिर भाई? फिर बोला जी दोनों इकट्ठे रहेंगे, उनको बच्चे होंगे। अच्छा फिर इन्होंने बड़े हो जाएंगे, घर गृहस्थी में तो ये होता है, ऐसा चलता है। सुनो बात, वही बात दिमाग में आ गई। अब तो लाखों बात सुनते रहते हैं सुबह से शाम तक, कितनी बातें दिमाग में आती हैं, कभी वो देखी नहीं थी। तो चलते चलते जंगल में एक जगह एक कुआ था, उसे कहाँ सोए, वहां तो कोई घरों में तो रोकता नहीं था, उस जगह मिली नहीं। कुएं का जो पानी निकालने वाली जगह होती है उसको पाटसा कहते हैं, जिसमें चबूतरा सा बना होता है, उसमें सो गया। रात में जब सोया तो उसने सोचा कि मेरी भी शादी हो। महात्मा ने सोचा मेरी भी शादी हो, पत्नी भी आ गई उसकी शादी होगी, और पत्नी उसके साथ में सोई हुई है, और उसके बच्चे भी हो गए। अब महात्मा है वो कुएं के साइड में सोया हुआ है, और वो बच्चे वो बीच में है, पत्नी दूसरी तरफ है। तो पत्नी कहती है कि थोड़े से आगे सरे कि बच्चे दुख पाते हैं। महात्मा जी थोड़े से आगे हुए कुएं की साइड में, फिर भी बोली थोड़े से और होइए, वो अभी दुख पाते हैं, ये थोड़ा सा और हो गया। थोड़ी देर में बोली थोड़े से और हो जाओ, ये मेरे को भी जगह नहीं मिलती लेटने के लिए, बच्चे भी दुखी हैं। उसने ये कही, महात्मा ने थोड़ा और मस्कोड़ा दिया, कुएं में धड़ाम देसी गई, कुएं में गिर गया। लोगों को पता लगा भाई कोई कुएं में गिर गया, इकट्ठे हो गए, निकालो। बोले भाई कौन? बोले भाई इस तरह। बोले महात्मा जी आपको निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, गाँव से रस्से वस्से लेने गए। बोला रस्से वस्से तो ले आओ, वो तो ठीक है, सारे गांव को बुला लो एक बार। गांव में रुका दे दिया, सारे गांव के काफी लोग इकट्ठे हो गए कुएं के पास में, और जब कुएं के पास में इकट्ठे हो गए तो कुएं से अंदर से ही बोला भाई तुम ठीक ठाक हो सारे? बोला क्यों, हम तो ठीक है, हमारा क्या बिगड़ गया, आप बताओ। मेरा कुएं में था पड़े हो, पूछे हम, पूछ हमसे रहे हो ठीक ठाक? बोला अरे सपने की ओर तर बच्चों ने हमें कुएं में गिर दिया, अब हम तो वास्तविक में जो है बच्चों के साथ है, औरतों के साथ, तुम्हारा क्या हाल होगा?
तो ये है कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं ना, वो हमें कुएं में डालते हुए देर नहीं करते रात दिन दिन के। जब नकली बनावटी सपने के भी ये लोग जिनको हम अपना कहते हैं वो हमें कुएं में डाल देते हैं, तो वास्तविक जो जीवन में है उनका यही हाल। इस वाणी में कहने का मतलब था कि सतगुरु बिन हमने देख लिया कोई भी किसी का मित नहीं। तो ये तो बात मजाक की है, लेकिन बात समझने की भी है। घर गृहस्थी में रह के अगर आदमी सच्चाई से, प्यार से, ईमानदारी से और अपना सही काम करते हुए अच्छा बर्ताव व्यवहार रखे, माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग की, ज़रूरतमंद की जो कर सकता है, दया नाम लेते हैं, दया करना हर काम में, दया गरीब पर दया करना, तुम्हारे पास है उसको कुछ दे सकते हो, किसी को दर्द तकलीफ है उससे मीठा बोल के उसका दर्द बटा सकते हो, किसी को कोई पीड़ा है तो उसको जो भी मरहम पट्टी करके आप उसके घाव सहला सकते हो, किसी के दिल पर घाव लगा है तो उसे अच्छा बर्ताव मीठी बातें करके उसके दिल को शांति दे सकते हो, ये दया है। और जब इंसान ऐसा करता है तो उसके हृदय में दया है। और संतों ने कहा कि दया राख धर्म को पाले और जग से रहे उदासी। जो इंसान दिल में दया रख के और धर्म की पालना करता है, धर्म क्या है, जिस जगह पे हो और जो तुम्हारा पद है उस पद पर पूरा न्याय करो। अगर भाई हो तो भाई का पूरा काम करो, पिता हो तो बच्चों की पूरी परवरिश से उनका काम करो, उनका लालन पालन सही करो, माँ है तो उनको गृहिणी हो के घर गृहस्थ के पूरे अच्छे सच्चे काम करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दो, हर प्रकार से जो तुम्हारा काम है उसको सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, अच्छा बर्ताव के साथ करोगे, वो धर्म का पालन करना है। तो कहिए कि दया रख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। जग से उदासी का मतलब ये नहीं कि मुंह सुझा के बैठ जा किसी से बात ही ना। जग से उदासी का मतलब है जग की चीजों को अपना मन ना दे, कि हमेशा लालच की ओर ही बढ़ता रहे कि मेरे पास ये हो जाए मेरे पास। जब आदमी को ज्यादा की इच्छा हो जाती है वो सोच लेना चाहिए कि उसी टाइम वो गिरावट की ओर चलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये काम उसके लिए नहीं है कि कभी कह दो कि मैं ज्यादा मेहनत भी नहीं करूँगा। नहीं, मेहनत करते हो, किसी के काम में दखल नहीं देते हो, अपना कमा के खाते हो, तुम्हारा शरीर इजाजत देता है इतना काम करो, क्योंकि उसका लाभ और फायदा आपका ही होगा। लेकिन ज्यादा संग्रह करने से मिले भी क्या, फालतू चीज करने से क्या मिलेगा। लेकिन इंसान की जब लालसा बढ़ जाती है वो रुकती नहीं है। ये तृष्णा इंसान को घेर देती है पाप कर्मों में। तो बूढ़े बुजुर्ग की, माँ बाप की सेवा जो करता है, प्यार का बर्ताव करता है, चाहे दो मिनट उनके पास बैठ के प्यार से उनके दिल की बात पूछ लो, उनको सब कुछ मिल गया। लेकिन तुम्हारे बुजुर्ग और माँ बाप तुम्हें आवाज देते हैं, तुम अनसुनी करके निकल जाते हो, तो उस जैसा भी दुख उनको नहीं। आजकल के जमाने में कुछ ऐसा भी होता है कि बूढ़े माँ बाप होते हैं उनको जो अनाथालय में आके छोड़ जाते हैं, वृद्धाश्रम में उनको छोड़ देते हैं, उनकी संभाल नहीं करते, ये नहीं सोचते तुम्हारा जीवन उनसे बना है। तुम अगर आज कुछ हो तो उन माँ बाप के कारण हो। ये बड़ा धर्म है, कहाँ भक्ति का नाम लेते हो। नाम का सुमन करना, ध्यान करना, अभ्यास करना बहुत दूर की बात है, लेकिन मैं गृहस्थियों का धर्म बताता हूँ कि गृहस्थ में रहते हुए जो इन चीजों का पालन करता है वो भक्ति करता है। सच्ची भक्ति यही है। ऐसे लोगों से तो परमात्मा खुद आके दर्शन देता है, खुद आके पूछता है कि बोल भगत मैं तेरा क्या करूं। और वो भक्ति किस काम की, नाम ले लिया, पूजा पाठ करते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाके तुम दिखावा करते हो, लेकिन घरों में तुम्हारे सास माँ बाप भूखे बैठे हैं, उनका तुम हाल चाल भी नहीं पूछते हो। कोई धर्म नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई तुम तीर्थों पे टक्कर मारते फिरते हो, क्या मिलेगा वहां पे। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तुम्हारे घर में बैठे हुए, उन तीर्थों की भक्ति कर लेना, उनकी पूजा कर लेना, उनकी सेवा कर देना,
मैं कहता हूँ तुम्हें कभी भी कोई दुख हो जाए मेरे पास आके दोष देना मुझे, वो तो मैं क्या करूँगा, माफ़ी मांग लूँगा आपसे कि हाँ भाई मैंने गलत कह दिया। लेकिन कोई भी शास्त्र कोई भी धर्म अगर इन चीज़ों को इनकार करता हो तो मुझे बताओ कि मैं गलत या मिथ्या कहता हूँ। अगर नहीं कहता तो इन बातों को आप अपनाओ, आपका जीवन सफल होगा, पक्का होगा, पूरे जीवन में सुखी रहोगे, शांति मिलेगी और हर प्रकार से मालिक तुम्हारे पास है, वह दूर नहीं जाता। जिसके हृदय में सच्चाई है, जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में प्रभु बैठे हुए हैं। जो सच्चाई नहीं है वहां कोसों दूर है उसे। तो जाके हृदय साच है वहां के हृदय आप, जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में प्रभु का वास है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।